हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑर्थोग्राफिक बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम उन क्वेश्चंस को उठाएंगे जो एक स्टूडेंट ने हमें ये क्वेश्चंस ईमेल किया हुआ था। उसने रिक्वेस्ट किया था कि इस पर थर्ड एंगल का जो ऑर्थोग्राफिक पोजीशंस है, किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर इस टाइप का आइसोमेट्रिक व्यू आता है, ठीक है। तो आज हम बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जैसे कि हमारा नोटिफिकेशंस आपको आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा साइड व्यू है। एस मतलब साइड व्यू, एफ मतलब फ्रंट व्यू, टी मतलब टॉप व्यू। तो डायमेंशन दिया हुआ है। अब हमें बनाना है ऑर्थोग्राफिक इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमारा साइड व्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब साइड फ्रंट व्यू को हम देखते हैं तो फ्रंट व्यू में हमें जो चीज़ दिखता है हमें वही चीज़ बनाना होता है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं होता है, ठीक है। तो लोग कहाँ कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन होता है कि ये जो दिया हुआ है पिरामिड की आकार का, ये जो पिरामिड बना दिया है बीच में सेंटर में, वो कैसे बनेगा। वो कहें कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बनेगा कैसे, ठीक है। तो आज मैं इसी को बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अगर इस टाइप का ड्राइंग आपको सीखना है तो, ठीक है। तो हमें फ्रंट बनाना है, साइड बनाना है, टॉप बनाना है, ठीक है। अगर हम फ्रंट बन जाएगा टॉप साइड ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट साइड अगर दोनों में से कोई एक आप समझ गए तो आप तीनों बना लेंगे, ठीक है। तो हम फ्रंट समझने की कोशिश करते हैं कि हमें फ्रंट में ऑर्थोग्राफिक में किस तरीके से बनाना है, ठीक है, थर्ड एंगल में। तो अगर हम फ्रंट से अगर हम इस साइड से देखते हैं, यहाँ पर इस साइड से हम देखते हैं तो हमें क्या चीज़ बनाना है, ठीक है। तो जो चीज़ बनाना होता है हम क्या करते हैं उसको, या तो हेक्साइन कर देंगे, या तो हम डॉट 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 लगा देंगे, या आपको जो भी सुविधाएँ होती हैं जिससे कि आपको समझ में आए वो चीज़ कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि हमें ये चीज़ बनाना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमें फ्रंट में बनाना है और ये हमें फ्रंट में बनाना है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या बनाना है, फ्रंट से इधर देखेंगे तो ये बनाना है और ये बनाना है। अब हम देखेंगे कि ये भी हमें ड्रॉ करना है, यानी ये भी हमें दिखेगा फ्रंट व्यू से, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस साइड से देखेंगे तो एक सरकुआ टाइप का दिखेगा, जैसे हम सीढ़ी नुमा होता है उस तरीके से एक प्लेन आकार का यहाँ से एंड टू एंड दिखेगा हमारा, एक प्लेन आकार का, ठीक है। सीढ़ी नुमा नहीं कहते हैं, और जैसे कि हम एक प्लेन सरफेस कहते हैं वो टेपर में होता है, उसी तरीके से हमें वो दिखेगा, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ हुआ है, वर्टिकल हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो हम फ्रंट व्यू को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विड्थ दिया हुआ है वो हमारा 50 mm है, और जो इसकी हाइट है यहाँ पर दिया हुआ है 40 mm। तो हम क्या करेंगे कि 10 mm यहाँ से और 10 mm ऊपर से छोड़ के फ्रंट व्यू की साइड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जब जिस साइड हमारा फ्रंट व्यू दिया होता है उसी साइड बनता है, तो फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड साइड दिया हुआ है तो हम राइट हैंड साइड में बनाएंगे। तो हम चलिए चलते हैं, हाइट कितना हुआ दिया हुआ है 40 mm। तो हम क्या करते हैं, 10 mm इधर से और 10 mm इधर से छोड़ के हम 40 mm का एक लाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा 40 mm का एक हाइट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हाइट है वह 40 mm हमारा ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, विड्थ खींचेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, बस आप देखते जाइए आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब विड्थ हमारा 50 mm है तो हम 50 mm का विड्थ हम यहाँ से ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा क्या है, 50 और 40, तो हमारा ये भी हमारा 50 होगा, ठीक है। ये 50 है तो ये भी 50 होगा और ये भी हमारा 50 होगा, ठीक है। तो हम 50 का ऊपर से हम क्या करते हैं, लाइन ऊपर से भी हम ड्रॉ कर देते हैं, और ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स बना लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया, यानी एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हमें ये बनाना है, ये बनाना है। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 10 mm का बना हुआ है। तो हम यहाँ से 10 mm नापेंगे, ये जो ऊपरी वाली लाइन है यहाँ पर हम 10 mm नाप लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर 10 mm आया, ठीक है। अब स्केल से नापेंगे, डायमेंशन लेंगे, तो स्केल से ये हमारा 10 mm आया। अब हम इसकी हाइट को हम देखते हैं, तो इसकी हाइट हमारी कितनी दी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी हाइट दी हुई है यहाँ पर दिया हुआ है 15 mm, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 10 mm लिया था, उसी 10 mm में हम इसकी हाइट को हम 15 mm नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये हमारा 15 mm हो गया, ठीक है, ये हमारा 15 mm नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो विड्थ है ये कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब 15 है तो ये भी हमारा 15 होगा, ये भी हमारा 15 होगा, यानी 15 15 30, और 10 ये है और ये 50 है, तो ये हमारा हो जाएगा 25 का हो जाएगा, ठीक है। 15 नहीं होगा, 25 का होगा, 25 25 15 40 10 50, यानी ये हमारा 25 का हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 हम यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 25 mm हो गया। अब बचा ये वाला हिस्सा हमारा ऑलरेडी 15 mm है, तो हम क्या करेंगे इसको फुल यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक लाइन गई है वो हमारा 25 mm है। अब यहाँ से जो लाइन जाएगी वो हमारी ये वाली लाइन होगी 15 mm। तो हम क्या करते हैं इसको 15 mm ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा 15 mm है। यहाँ पर देखिए लिखते जा रहे हैं, आप समझ जाइएगा ये हम 15 mm है, ये 25 mm है, ये 15 mm है, ये 10 mm है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, आइसोमेट्रिक इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ डायमेंशंस, कौन कौन से डायमेंशंस कितना कितना लिया है, ठीक है। इससे आपको आसानी से समझने में फ़ायदा होगा, ठीक है। अब हमें ये चीज़ ये देखना है कि ये हमारा कितने आने में 15 mm पर है। तो हम क्या करेंगे, जो एक बिंदु पर तीन लाइन बनी हुई है, तो यानी ये जो लाइन है इस पॉइंट को टच कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड को इस पॉइंट तक अपना मैच करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हम इस तरीके से हम ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू हमारा बनकर तैयार हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है जो बनकर तैयार हो गया। अब इसे हम डायमेंशंस दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 50 mm है, ये हमारा हाइट हमारा 40 mm है, और ये हम मैंने स्टेप बाय स्टेप जो डायमेंशन दिया है कुछ इस तरीके से, ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, सेम यही चीज़ बनेगा साइड व्यू में, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये पिरामिड तरीके से आधा पिरामिड हमको दे दिया है बीच में, यानी कॉर्नर पर हमें दे दिया है कंफ्यूज होने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है, बस कुछ दिमाग लगाना है, बस ज़्यादा ईजी बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 40 mm दिया हुआ है जो विड्थ है, तो हम क्या करेंगे सेम इसी को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से हम आगे की तरफ ले जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हम 40 mm इस तरीके से ले लेते हैं, तो ये हमारा 40 mm हो गया, ठीक है। ये 40 mm हो गया, ये 50 mm था, ठीक है। तो अब इसकी हाइट कितनी है, 40 mm है, तो इसकी हाइट भी हम ले लेते हैं 40 mm। इसकी हाइट 40 mm था, तो 40 mm हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी के पैरेलल ही बनेगा, इसी के समानांतर। अब हम क्या करेंगे, ये भी हम 40 mm उसी तरह बॉक्स बना लेंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट व्यू बनाया था। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है।
हम इसको भी हम क्या कहते हैं बॉक्स बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साइड व्यू का बॉक्स भी बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा ये जब 10 mm है, ये 10 mm है, तो ये भी हमारा 10 mm होगा, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशंस नहीं दर्शाए हैं, तो ये भी हमारा 10 mm होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है वो हमारा 10 mm के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 10 mm हम नाप लेते हैं, ये हमारा 10 mm हो गया। ठीक है, ये हमारा 10 mm है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो इसकी जो हाइट है वो 15 mm है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्केल लेंगे और 15 mm ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हम नाप ले सकते हैं 15 mm, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 15 mm कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब हमारा देख सकते हैं कि जो इसकी विड्थ है वो 15 mm दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसको 15 mm यहाँ से नापने के बाद, ठीक है, 15 mm यानी ये 15 है, ये 15 है, 15 mm हाइट, 15 mm विड्थ। अब इसके बाद ये जो बचा है अब हम क्या कर देंगे इसको हम मिला देंगे, इसको नापने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम इसको मिला दिए। ठीक है, तो अब ये जो 15 mm है यहाँ से जो ये पॉइंट है, अब इस साइड से देखेंगे, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड में ये कॉर्नर दिखेगा, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे, क्योंकि हम साइड व्यू बना रहे हैं तो ये हमारा राइट हैंड साइड में कॉर्नर दिखेगा। ठीक है, अगर हम फ्रंट व्यू से बना रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये गलत ना बनाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसे दिया है राइट हैंड साइड में, साइड व्यू से राइट हैंड साइड में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट जो बनेगा वह राइट हैंड साइड से पॉइंट जाएगा और इस पॉइंट को काटेगा, ये जो पॉइंट है यहाँ बना हुआ है यहाँ से यहाँ 15 mm, इस पॉइंट को काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डायमेंशन जानने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायमेंशन जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 15 पॉइंट पर काट लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, तो टॉप व्यू में भी कंफ्यूज जाते हैं कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये थोड़ा टेपर में पिरामिड्स की तरह, जैसे उल्टा पिरामिड्स घुमा देंगे तो एक कोन की तरह हमें दिखाई देगा, एक कोन की तरह। ठीक है, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हाफ कटा हुआ कोन हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये एरिया हमें बनाना है और ये हमें एरिया बनाना है। ठीक है, तो साइड फ्रंट, तो हमारा टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हमारा बनेगा, तो यानी हमारा ठीक फ्रंट के ऊपर की तरफ बनेगा। अब हमें क्या देखना है कि इसकी जो विड्थ है हमारा 50 mm है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 10 mm गैप के गए, कुछ इस तरीके से ले जाएंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से ले जाएंगे, ले जाने के बाद ये हमारा 50 mm एकदम कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा ये जो है जो इसकी विड्थ है यहाँ पर दिया हुआ है 40 mm, तो हम क्या करेंगे तुरंत 40 mm का एक विड्थ खींच देंगे और सेम यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, एक विड्थ खींच देंगे और हम इसको क्या करेंगे एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या देखना है कि 10 mm इस साइड से यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक लाइन गया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी लाइन को हम इस साइड से, अब यहाँ से हम 10 mm नाप लेंगे और नापने के बाद अब यहाँ से हम 10 mm ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको बीच का हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10 mm है, ये हमारा 10 mm है। अब हमें देखना है
कि ये जो पॉइंट बना है वो किस एरिया में बना है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट हमारा इस एरिया में बना है, तो हमारा ये जो पॉइंट बनेगा इस एरिया में बनेगा। वो किस तरीके से बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से 15 mm, ठीक है। अब इस साइड से हम क्या करेंगे, 15 mm लेंगे। इस साइड से हम क्या करेंगे, 15 mm ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से हम 15 mm ले लेंगे, इस साइड से, यानी इस साइड से 15, ऊपर से हम देखेंगे तो ये 15 ले लेंगे और ये हम 15 ले लेंगे, ठीक है। और लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको 15 mm ये लेंगे और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें ये कॉर्नर इसी तरीके से दिखाई देगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ऊपर से हम देखेंगे तो ये कोण हाफ कोण की तरह दिखाई देगा। जब भी हम टॉप व्यू बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया, फ्रंट व्यू बनकर, साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। और अब इसको हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन दे देंगे। डायमेंशन देने के बाद जितने भी फ्रंट साइड टॉप है वो 5 mm में हम कैपिटल लेटर में हमेशा लिखते हैं, स्मॉल लेटर में कभी भी ड्राइंग में नहीं लिखते हैं। अगर हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो कभी भी हम स्मॉल लेटर में कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर फ्रंट व्यू लिखना है तो कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं, वो भी 5 mm में, ठीक है। ऐसा नहीं 10 mm में आप लिख दें, ठीक है। तो ये आपको लास्ट में क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डायमेंशन हैं सारे mm में हैं, तो लास्ट में आपको लिखना है ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी जितने भी डायमेंशन हमने दिए हुए हैं सारे mm में दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है किस तरीके से अगर इस टाइप का ड्राइंग अगर दे दिया जाए एग्ज़ाम में, अगर आ जाता है तो आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।